हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ऋषि मलिक है एंड आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा अपने YouTube सेटअप के बारे में। ये स्पेशली वीडियो मैं उन सभी बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी के समय पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हर रोज वीडियो अपलोड करते हैं एंड व्यूज आते हैं उनके वीडियो के ऊपर, बट वीडियो क्वालिटी और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आप सभी को बताना चाहूंगा एक बजटेड अमाउंट में आप अपनी वीडियो क्वालिटी को और भी इंक्रीज कर पाओगे, जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे एंड आपको भी लाइक मिलेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स एंड योर पॉलिसीज। ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक यूट्यूबर के लिए। जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली पहले तो अपने कैमरे के बारे में। कैमरा जो मैं यूज कर रहा हूँ वो GoPro का हीरो 5 रहेगा, एक्शन कैमरा है, व्लॉगिंग सेटअप के लिए भी अच्छा रहता है, इसलिए मैंने ये कैमरा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। सबसे बड़ी बात रहती है, अगर आप कैमरा भी ले लो, हर चीज ले लो, मगर आपके पास अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है तो उस केस में आप अपने कैमरा की क्वालिटी नहीं दिखा पाओगे अपने व्यूअर्स को। अब अगर मैं बात करता हूँ मेरी लाइटिंग क्वालिटी की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे वीडियो चल रही है उसके हिसाब से कि लाइटिंग कैसे हो पा रही है अभी के समय से। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये पर्दा रहेगा, ये अभी के समय पर मेरी रिंग लाइट है और उसी के साथ यहाँ पर मैंने एक लाइट लगाई हुई है। अगर मैं यहाँ से अपने लाइट जो है उसको भी बंद कर देता हूँ तो तब भी आप देख पाओगे कि कितनी लाइटिंग बच जाती है अभी के समय से रिंग लाइट से और ये आपकी लाइटिंग के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने खुद से रिंग लाइट बनाई हुई है अभी, जिसमें मेरी कॉस्टिंग जो रही है वो सिर्फ से सिर्फ रही है 400 रुपये की, जहाँ पर मैंने LED लाइट लगाई हुई है और उसी के साथ ये गत्ता है जिसको मैंने यूज़ किया हुआ है सर्कल वे में एंड यहाँ पर ये फट्टी रहेगी जिसको मैंने लगाया हुआ है एक अडप्टर के साथ। तो इस तरीके से आप भी एक रिंग लाइट लगा सकते हैं जिससे आपके फेस के ऊपर एकदम से रिफ्लेक्शन पड़ेगा और आपकी भी वीडियो अच्छी आएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी लाइट जो मैंने बनाई है अपने आप से ही, ये भी लाइट मैंने बनाई है। इक्विपमेंट जो रहेंगे इसमें आपके बहुत कम रहेंगे, बट बटर पेपर का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसे डाल दोगे तो उस केस में आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा लगेगी। अगर इसकी रोशनी दिखाना चाहूँगा तो आप ये देखिए बंद करने पर कितनी कम हो जाती है लाइट यहाँ पर कमरे के अंदर। तो ये देखिए, ये है लाइट, इस लाइट के ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। आप सभी ने नोटिस किया हुआ होगा कि आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हो तो ऐसी फैसिलिटी वाली लाइट मिल जाती है। जस्ट आपको यहाँ पर बटर पेपर लगाना है और ये तार है और अपने यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी रोशनी कितनी है अगर आप इसको जलाते हो। अगर बिना रोशनी के देखते हैं तो ये देखिए कितनी ज़्यादा रोशनी है और उसी के साथ एकदम से रिफ्लेक्शन देती है ये आपके फेस के ऊपर अगर आप वहाँ पर बैठ के वीडियो बनाओगे। तो ये रहेगा मेरा पूरा का पूरा सेटअप। और उसी के साथ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये पूरा सेटअप लेते हो तो उस केस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका रहेगा 800 से 700 रुपए का खर्चा और उसी के साथ एक ट्राइपॉड है वो 300 से 400 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉगिंग सेटअप अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक बनता है वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे दोस्तों।